नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में एक बहुत ही बेहद गंभीर मामला सामने आया। बहा में फरौती की रकम न मिलने से दरिंदों ने देखी किस प्रकार अपहरण की गई मासूम को मौत के घाट उतार दिया है और उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए गांव के ही लोगों ने देखी किस प्रकार साजिश रची और 5 वर्षीय मासूम पल्लवी के अपहरण की साजिश रच डाली। 18 मार्च की शाम को घर के बाहर खेलते समय घर से अचानक गायब हो गई थी 5 वर्षीय मासूम पल्लवी। अपहरण की गई मासूम को छोड़ने के लिए परिजनों से फोन कर अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 6 लाख रुपए की फिरौती। परिजनों ने थाना बहा में दर्ज कराई थी बिटिया की गुमशुदी और गुमशुदी दर्ज होने के बाद जांच टीम में जुटी थी सर्विलांस एसटीपी और बहा पुलिस। पुलिस ने 2 लोगों को लिया हिरासत में तो पूछताछ में दोनों ने कबूली मासूम की हत्या की घटना। थाना बहा क्षेत्र के अंतर्गत फरेरा गाँव का ये मामला बताया गया है। जानिए डीसीपी पूर्व जोन अतुल शर्मा से और क्या कुछ कहना है योगेश पाठक का इस पूरे मामले पर। जानते हैं हम उनके परिजनों से और अधिकारियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा मुकम सिंह। गाँव फरेरा बागरा। क्या बात हो गई है? मेरी नातनी 18 तारीख को करीब 3 बजे करीब गायब हुई थी। उसके बाद हम लोगों ने जाके ढूंढी है, मिली नहीं है। नाती का क्या नाम था? नाम उसका नाम था पल्लवी पुत्री हरिंदर सिंह। अब फिर क्या हुआ, कार्रवाई की पुलिस ने? हाँ, कार्रवाई की पुलिस को, इंक्वायरी की पुलिस में, FIR कराई। हाँ, FIR पुलिस में कराई थी हमने। अच्छा अच्छा। उसके बाद उन्होंने नहर में ढूंढी, नहर में ढूंढने का वहाँ कोई मिली नहीं। अच्छा, लड़की बरामद हो गई? हाँ, SOG टीम आई थी। हाँ, उन्होंने पूरी पोजीशन की। अच्छा, डेड बॉडी मिली है कि जिंदी मिली लड़की? मुझे तो अभी दिखाई नहीं। डेड बॉडी मिली है वैसे। आप क्या कार्रवाई करना चाहते हो? अब जो जिसने किया उसको सजा होनी चाहिए। अच्छा, आप पे कोई फिरौती भी आई थी, मंगी थी? 18 तारीख को शाम को कॉल आई थी। हाँ, कॉल SOG टीम को दी है। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब को दिलवाई है। अच्छा, कितने रुपए मांगे थे? 6 लाख रुपए मांगे थे। मैंने कह दिया था हमें 6 लाख नहीं और ज़्यादा देंगे, लेकिन मेरी बच्ची सकुशल चाहिए, लेकिन उसने अभी जगह नहीं बताई। आप पे किसी पे शक है गांव पे? अब मेरे तो मैं देखा है नहीं, किसी पे शक नहीं है। देखिए, ये थाना बहा क्षेत्र में ग्राम पड़ता है फरेरा, वहाँ यहाँ से हमें परसों 18 मार्च को ये सूचना मिली थी कि एक 5 साल की बच्ची गायब, जिस पर कि हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया था और इसको सर्च ऑपरेशन इसमें हम लोग घर वालों के साथ इसमें चलाए हुए थे, जिसमें कि इनके पास कॉल भी आया था, जो लड़की गायब थी उसके पिता के पास पैसे फिरौती के लिए कॉल आया था, तो हम लोगों ने उन नंबरों पे काम किया और उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ 2 लड़कों को उठाया था। उन लड़कों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके द्वारा इस लड़की का जो है मर्डर कर दिया गया। उनकी निशानदेही पर ये लड़की का जो लड़की जो डेड बॉडी है वो रिकवर कर ली गई। जो प्रिलिमिनरी इसमें पूछताछ में निकल के आया है कि ये जो लड़के हैं इनसे कर्जा था और कर्जे को चुकाने के लिए इन्होंने ये प्लान बनाया और लड़की को मारकर ये घर वालों से फिरौती ले इसमें अपना कर्जा चुकाना चाहते थे, तो सर, ये अभी तक इसमें निकल गया। सर जी, अब तो आपने जो पकड़े हैं वो कहाँ के हैं सर? ये इसमें से एक इसी गांव का है और दूसरा जो है वो पासी का है, इसी क्षेत्र के हैं दोनों और दोनों ने कबूल भी कर लिया है। बाकी इससे पूछताछ और जारी है, विवेचना क्रम में जो भी आगे निकल के आएगा और जो साक्ष्य में निकल के आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, डेड बॉडी को आपने पोस्टमार्टम के लिए भेजा? डेड बॉडी को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थैंक यू। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज।